आज अपने उत्तर में मैंने बताया है सब। एक तो जो गलत बयानी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो की है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने जो बताया है कि 4,15,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज है हरियाणा के ऊपर, वो एकदम गलत तथ्य है। क्योंकि सीएजी 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें जो उल्लेख किया गया है 2,39,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जबकि हमारे अकाउंट्स, क्योंकि 2 वर्ष तक इन अकाउंट्स को मिलान करना होता है, तो 2,27,000 करोड़ ही है। तो ऐसे 11,12,000 करोड़ का अंतर तो उसमें भी है, लेकिन या तो 2,27,000 है, 2,39,000 है। कहीं किसी भी कीमत पर 4,15,000 का जो आंकड़ा है ये मिसकोट किया गया है, और इससे जो छवि हरियाणा से प्रदेश की वो दूसरे प्रदेशों में धूमिल होती है। इसलिए मैंने स्पष्ट किया है और उन लोगों को एक आगाह किया कि इस प्रकार की गलत बयानी कम से कम बाहर न करें। स्कूलों का विषय भी एक आया है, उसमें बहुत सी चीज़ें, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों का विषय है, चाहे वो सरकारी स्कूलों से बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो विषय भी है, अध्यापकों के विषय हैं, ये सारे एक क्लैरिफाइड करके उनको बताया है। और बहुत विषय तो कई बार विपक्ष के लोगों को पता नहीं होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी और एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन, इनका कोटा 3% का जो ग्रुप सी में है, उसमें जितनी भी ग्रुप सी की नौकरियां किसी भी विभाग में दी जाएंगी उन सब संख्या का 3%, लेकिन दिया जाएगा केवल 4 विभागों में, वो 4 विभाग निश्चित किए हैं। वहाँ से अगर किसी और विभाग में कोई खेलों के उपयोग के नाते से जाना भी जाएगा तो डेपुटेशन पर भेजा जाएगा, उसमें हमारा स्कूल एजुकेशन वहाँ भेजे जाएंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, तो इस प्रकार के विभाग जहाँ खेलों का उपयोग ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को खेल सिखलाई कराई जा सकती है, तो ऐसे एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन और जो जो स्पेशल जो इस प्रकार के स्पोर्ट्स के जो मेडल विनर्स हैं वो सब वहाँ पर उनको नौकरी पूरा टोटल का 3% कोटे का ये दिया जाएगा। कुछ किसानों के खेतों में जो पानी भरा हुआ है, उस पानी भरने के कारण से जिनकी बिजाई नहीं हुई है, ऐसे सबको जो मुआवजा पहले 6,000 रुपया एकड़ मिलता था, उनको 7,500 रुपया एकड़ ये मिलेगा। और केवल जिन लोगों ने अपनी ज़मीन को जहाँ भट्ठे लगाने का उपयोग किया है या ज़मीन खुदाई करके उसका मिट्टी का उपयोग और कहीं किया है, ऐसे किसानों को ये मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मिट्टी का उठा करके एक व्यवसायिक उपयोग किया है और उसके कारण से उस पानी में, उस ज़मीन के नीचे होने का पानी भरता है। उनको सलाह दी गई है कि वो लोग ऐसी ज़मीनों में अपनी फिशरी का जो खेती है वो करेंगे तो उनका उसका उपयोग होगा। देखिए मित्रों, कुछ प्रदेशों ने पहले से ही चीज़ लागू की हुई है कि गन्ने की कितनी किस भाव चीनी बिकती है और उसकी कितनी गन्ने की निकलती है एवरेज, यानी रिकवरी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से और चीनी के भाव के हिसाब से उसका मूल्यांकन करने के बाद ही गन्ने का रेट तय किया जाता है। अभी तक हरियाणा में, पंजाब में अथवा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसका हिसाब नहीं लगाया जाता, बल्कि कोई भी एक रेट आर्बिट्रेरली वो सरकारें घोषित करती रही हैं, जिसके कारण से जो नुकसान होता है, घाटा होता है, हमेशा सरकारें देती रही हैं, चाहे प्राइवेट चीनी मिले हों और चाहे कॉपरेटिव चीनी मिले हों। लेकिन हम एक कमेटी के माध्यम से अध्ययन कराना चाहते हैं कि इसमें किस प्रकार से हम रिकवरी को, किस प्रकार के अच्छे रेट पर चीनी बिके, इसका भी प्रावधान कराएंगे और कितना नुकसान उसमें हरियाणा सरकार को होता है उसके हिसाब से। हो सकता है कुछ मिलों का जो यानी रिकवरी और चीनी का भाव मिलाकर इस रेट से ऊपर भी जाता होगा, तो 15 दिन के लिए कमेटी बना करके उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद गन्ने का रेट, फाइनल रेट जो है, अभी हमने 362 इसीलिए घोषित किया है ताकि गन्ने का जो पैसा है वो सब मिले, जारी करना शुरू कर दे, फाइनल रेट 15 दिन के बाद बताएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।